जैसा कि हम लोग मैंने कहा कि मैं काफ़ी सारे टैलेंटेड सिंगर्स को हमने अपने टीम में इनवाइट किया है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और लेकिन ये थोड़ा स्पेशल है, द वी स्टार के नाम से इसके जो मेन सिंगर हैं उनका नाम विशाल है और यूट्यूब पे बहुत फेमस है ये, और यू आर द वन। हालांकि उन्होंने काफ़ी रैपिंग भी किया है और सारे शूटिंग वगैरह इनके जो अपकमिंग एल्बम हैं वो सारे आउटसाइड मुंबई किए हैं इन्होंने, काफ़ी अच्छे प्लेसेस में शूटिंग किया है इन्होंने। और लॉट ऑफ व्हाट आई पर्सनली फील दैट मिस्टर विशाल, दैट वी स्टार विल डेफिनेटली गेट ए ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फ्रॉम लाइक द ऑडियंस। और रैपिंग के साथ मुझे, मैंने काफ़ी इसके रैपिंग भी सुने हैं और मुझे लगता है कि हालांकि गली बॉय एक रैपिंग, अभी एक नया मूवी रिलीज हुआ आज 14th को, और इन्होंने भी बहुत अच्छा इनका रिप्राइज वर्जन निकाला जिसका बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों ने लाइक किया है, बहुत हिट्स मिले हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि 1 लाख से 10 लाख से 50 लाख से मिलियंस क्रॉस होगा इनके जो अपकमिंग एल्बम है, और इनके शूट लोकेशन बहुत प्यारा है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार मिस्टर विशाल द वी स्टार के जो हेड हैं, आई मीन जो मेन सिंगर हैं, वो प्लीज़ आएँ और अपने बारे में वो अपने बताएँ, आप में ब्रांड है। अपने बारे में एक बार थोड़ा लोगों के बारे में, लोगों को बताएँ अपने बारे में। विशाल साहब क्या कहोगे और आप कुछ अपने बारे में डिटेल दीजिए। मेरा नाम विशाल है, जो मुझे रैपिंग और सिंगिंग का बहुत शौक है। मैंने अंडरग्राउंड के लिए भी बहुत सारे गाने किए एंड मेरे कमर्शियल सॉन्ग भी है। एंड अभी मेरा एक यू आर द वन जो शूट हुआ है पुणे में, रिसॉर्ट है, एक बंगला है, पूरा एक मतलब कमर्शियल सॉन्ग है, सुन के भी मज़ा आएगा। ईडीएम टाइप म्यूज़िक है, पूरा एक अच्छा मतलब एल्बम निकाल लिया और उसको प्रेजेंट किया गया है ग्रीन म्यूज़िक ऑफिशियल। और मेरी जो ज़्यादातर मदद की है वो अभय सर है, रवि सर है, सनवाद सर है, और क्या बताऊँ, सब अच्छा चल रहा है। एंड मिलियंस में, लाखों में व्यूज़ जा रहे। अभी मैंने गली बॉय किया, उसके पहले नाना किया, उसके पहले मैंने देसी स्वैग किया, बहुत सारे मैंने गाने भी किए जिनका अच्छा अच्छा वो रिस्पॉन्स आया, तो हिसाब से अच्छा ही सब चल रहा है। अभी मेरा यू आर द वन जो आ रहा है उसको रवि सर बताएंगे। यू आर द वन का जो मैंने सॉन्ग गया स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, जैसा कि गली बॉय को बहुत प्यार मिला है रणबीर कपूर के, रणबीर सिंह के जो पिक्चर को है, सेम टू सेम रिप्राइज वर्जन। मुझे भी लगता है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे गली बॉयज़ हैं जो बॉलीवुड अनदेखा कर देती है, बट हमें एक गोल्डन जेम मिला है जो एक गली बॉय के हिसाब से जो लीड कर रहे हैं मिस्टर विशाल द वी स्टार के हिसाब से। और मुझे लगता है कि ये एक सुपर हिट होगा और साथ साथ में इसके आगे बहुत सारा प्यार भी मिलेगा। और न केवल इतना ही, इन्होंने मेहनत भी बहुत किया है। इवन ही इज़ वर्क वेरी मतलब ओवर नाइट्स वर्कआउट करना, लिरिक्स रिहर्सल्स करना, बैक टू बैक रिहर्सल्स करना, गाना का कंपोजिशन भी बहुत प्यारा है। और मुझे लगता है कि जो भी यंगस्टर्स हैं, इट इज़ गोइंग टू बिकम ए वेरी हिट सॉन्ग, दैट्स रियली स्पेशल कब से सॉन्ग। शौक हुआ आपको कि मैं रैप करूं? अभी तो एज भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं कब से जब शुरू कर सकते हैं? स्कूल में जाता था तो सब दोस्त बेंच बजाते थे, गाना गाते थे, तो मुझे भी कुछ करना था। एक बार मैं कुछ एनुअल डे था मेरे स्कूल में, तो वो टाइम पे जब सब मेरे दोस्त लोग ने बोला कि गाना गा गाना गा, तो मैं वो टाइम पे डर गया था, थोड़ा हिचकिचाने लगा था, वो टाइम पे मैं रोया भी था। तो फिर उसके बाद मैंने ठाना था कि करूँगा तो ऐसा करूँगा कि सब देखेंगे और सब चिल्लाएंगे, जहाँ मैं खड़े रहूँगा वहाँ से सब चिल्लाएंगे। वो सोच के मैं अभी गाने बनाता हूँ, गाने लिखता हूँ, खुद ही कंपोज करता हूँ, मेरे खुद कभी कभी म्यूज़िक भी बनाता हूँ सब। अभी होना क्या मेरे करने का इरादा है आगे लाइफ में? आगे तो क्या अचीवमेंट है आपकी, क्या चाहते हो? मुझे तो आगे अंडरग्राउंड जो हिप हॉप है उसको आगे बढ़ाना है, जैसे बहुत लोग बढ़ा रहे हैं। कमर्शियल बढ़ाना है या फिल्मों में या रैप में या पोर्टल पे कुछ ऐसा? ऐसा तो कुछ सोचा नहीं अभी तक, लेकिन खुद में ही एक ब्रांड बनना है इतना तो सोचा हूँ। इस फील्ड में क्या कर रहे हो, ये जो अभी ये गाना कर रहे हैं रवि सर, इस ये गाने में क्या कर रहे हो? इसमें मैं सिंगर भी हूँ, एक्टर भी हूँ। एक्टिंग करोगे इसमें? हाँ, अभय सर और इनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? अभय सर जो है मुझे बचपन से जानते हैं, उनके उनके साथ में खेला कूदा भी हूँ, एंड उन्होंने मुझे सपोर्ट भी बहुत किया। वो मुझे अच्छे से जानते हैं सब कि मैं कैसा हूँ,
अच्छा हूँ गलत हूँ, उन्होंने मुझे बहुत मदद किया है। फिर प्लस जो शहनवाज सर है वो भी मुझे थोड़ा जब बड़ा हुआ तो इन्होंने भी मुझे बताया गाना कैसे गाते क्या करते, और फिर जब मुझे रवि सर मिले तो फिर खत्म पूरा सब। चलो।